अगर आप भी डॉग बिजनेस करकर लाखों रुपए कमाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है। देखो, डॉग बिजनेस करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी तीन चीज़ें होती है। पहली चीज़ सिलेक्टिंग अ राइट डॉग ब्रिड, सही डॉग ब्रिड को चुनना। दूसरी चीज़ ब्रिड गुड क्वालिटी पपीज, अच्छे क्वालिटी के पपीज जनरेट करना। तीसरी चीज़ होती है सेलिंग डॉग्स इन राइट प्राइस, डॉग को अच्छे प्राइस में सेल करना। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो राइट डॉग ब्रीड सिलेक्ट कर लेते हैं एंड अच्छे क्वालिटी के पपीज़ भी जनरेट कर लेते हैं, बट उन्हें डॉग बेचने में प्रॉब्लम होती है, उनके डॉग नहीं बिक पाते। तो वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपके डॉग सेल करने में आपकी कैसे हेल्प करूंगा, जिससे आप अपने डॉग जो है बेच सकोगे। तो वीडियो में आगे ये भी मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने डॉग को कैसे सेल कर सकते हो, जिससे कि डॉग सेल करने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो को हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले पार्ट में हम बात करेंगे कि डॉग बिजनेस करने के लिए राइट डॉग ब्रीड कैसे सिलेक्ट करें, जिससे हमें अच्छे मार्जिन मिले और हमारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे कि हाई क्वालिटी के पपीज़ कैसे जनरेट करें, जिससे हम अपने पपीज़ को हाई प्राइस में सेल कर सकें। एंड थर्ड पार्ट में हम डिटेल में बात करेंगे कि कैसे मैं आपको आपके डॉग सेल करने में हेल्प करूँगा। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो पूरी देख लेना अगर आपको डॉग बिजनेस करना है। तो डॉग बिजनेस रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोज़ अपने चैनल पर आने वाली हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखो, राइट डॉग ब्रीड सिलेक्ट करना मतलब जिस डॉग को हम आसानी से बेच सके और उसे हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो, तो उसे हम राइट डॉग ब्रीड कहेंगे, जो कि हमेशा डिमांड में होती है, जैसे कि जर्मन शेफर्ड, लैब्राडोर, गोल्डन रिट्रीवर, रॉटवाइलर और भी कई डॉग ब्रीड्स। ये डॉग ब्रीड्स आपको इंडिया में काफ़ी आसानी से मिल जाएगी। और एक तरफ जो डॉग ब्रीड जो कि एक्सपेंसिव होती है, जैसे पिटबुल, साइबेरियन हस्की, फ्रेंच मैस्टिफ, ग्रेट डेन और भी कई डॉग ब्रीड्स जो इंडिया में हमें कम दिखती हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेकर समझाता हूँ जर्मन शेफर्ड फीमेल और साइबेरियन हस्की फीमेल का। देखो, इंडिया में एक डबल कोट जर्मन शेफर्ड फीमेल 20,000 में आ जाती है एंड वही साइबेरियन हस्की की डबल कोट फीमेल 40,000 में आ जाती है। अब हम इनका जो है कैलकुलेशन करेंगे एंड मैं आपको बताऊँगा कि आप इन डॉग से कैसे लाखों रुपये कमा सकते हो राइट डॉग ब्रीड को सिलेक्ट कर। तो हमने यहाँ पर ले लिया है जर्मन शेफर्ड का पपी जो कि 20,000 का है एंड एक तरफ हमने ले लिया है साइबेरियन हस्की का पपी जो कि 40,000 का आता है। देखो, किसी भी डॉग को अडल्ट होने में 14 to 15 months लगते हैं एंड जब हम फीमेल जो है हिट पर आती है तब उसकी एज 12 to 13 months होती है एंड तब हम जो है उसे पपीज़ के लिए कंसिडर नहीं करेंगे, बिकॉज उसे जो है हम प्रॉपर ग्रोथ होने देंगे। जब वो 18 months की हो जाएगी फिर उसके बाद वो फिर से हिट पर आएगी एंड तब जो है हमें उसे ब्रीड करना होगा। एंड जब तक डॉग जो है 18 महीने का हो जाएगा उस पर हमें जो है 4,000 रुपये हर महीने का खर्चा आएगा। जब जर्मन शेफर्ड का पप्पी 18 महीने का हो जाएगा तो उस पर हमें जो है 72,000 का खर्चा आएगा एंड वही अगर हम साइबेरियन हस्की का पप्पी जब 18 महीने का हो जाएगा तो हमें उस पर 90,000 रुपीज़ का खर्चा आएगा। देखो, डॉग्स इन जनरल जो है 6 पपीज़ दे देते हैं। देखो, मीटिंग के लिए हमने जिसका मेल यूज़ किया होता है उसे हमें जो है 1 पपी देना होता है या फिर जितने 1 पपी की कॉस्ट होती है उतने पैसे देने होते हैं। तो हम यहाँ पर जो है 6 की जगह 5 पपीज़ को गिन लेंगे। तो हमने यहाँ पर 5 जर्मन शेफर्ड के पपीज़ ले लिए और 5 साइबेरियन हस्की के पपीज़ ले लिए। देखो, जर्मन शेफर्ड का 1 पपी बिकेगा 20,000 का, तो इस तरीके से हम जो है उससे 1,00,000 रुपये कमा लेंगे 1.5 साल के अंदर। साइबेरियन हस्की के 5 पपी हम 40,000 के रेट से सेल करेंगे तो उसका प्राइस हो गया 2,00,000 रुपये हम साइबेरियन हस्की से कमा लेंगे। हमने 1.5 साल में जर्मन शेफर्ड पर खर्च कर दिए पूरे 92,000 एंड हमने उन्हें सेल किया 1,00,000 रुपये में, तो हमारा पहले साल का प्रॉफिट होगा 8,000 रुपये जर्मन शेफर्ड से एंड साइबेरियन हस्की पर पूरा खर्च हुआ 1,30,000 एंड हमने उसे बेचा 2,00,000 में, तो हमारे साइबेरियन हस्की का प्रॉफिट हो गया 70,000। आगे गेम चेंज होता है जब हम उसे सेकंड टाइम या फिर थर्ड टाइम ब्रीडिंग करवाते हैं, तो आप वहाँ पर जो है आप जो है लाखों में खेलोगे, मतलब आप लाखों पैसे कमाओगे भाई। देखो भाई, डॉग जो है 1 साल में 2 बार पपीज देता है, इसका मतलब 2 साल में वो 4 बार पपीज देगा, बट हमें अच्छे क्वालिटी के पपीज चाहिए तो हम यहाँ पर जो है डॉग से 2 साल में सिर्फ 3 बार ही पपीज लेंगे। सबसे पहले हम जो है जर्मन शेफर्ड पर होने वाला अगले 2 साल का खर्च निकाल लेते हैं। देखो, 24 months मैंने यहाँ पर लिख दिया है एंड इंटू 4,000 यानी कि हर महीने का उसका 4,000 रुपये का खर्च आता है, इसलिए इसका मतलब उसका जो है 1 साल का खर्च हो गया 96,000 एंड यहाँ पर साइबेरियन हस्की का 24 into 5,000 जो हर महीने का खर्च होता है, तो 1 साल में साइबेरियन हस्की को लगेगी 1,20,000 रुपये हमें उसे मेंटेन करने। देखो, यहाँ पर मैंने नीचे लिख लिया है कि वो 6 पपीज देते हैं एंड जिस मेल डॉग से हम उसकी मीटिंग करवाएंगे तो हमें जो है उसे 1 पपी देना है, तो यहाँ पर मैंने अगले 2 साल का कैलकुलेट कर लिया है। देखो अगले 2 साल में डॉग जो है 3 बार पपीज देंगे, तो जो मेल हमने मीटिंग के लिए यूज़ किया था उसके ओनर को हम जो है 1 पपीज दे देंगे, जो कि 6 में से हमारा 1 पपी चला गया, तो हम जो है यहाँ पर हम लिख लेंगे 5 पपीज हमारे पास रहेंगे एंड 2 साल में हम जो है 3 बार उससे ब्रीडिंग करवाएंगे। यहाँ पर जो है हम 2 साल में जर्मन शेफर्ड के 15 पपीज लेंगे एंड 2 साल में साइबेरियन हस्की के 15 पपीज लेंगे।
जब हम जर्मन शेफर्ड के 15 पपीज को बेचेंगे एंड यहाँ पर रेट होगा 20,000 रुपए, तो हम जर्मन शेफर्ड से 3 लाख कमाएंगे 2 साल में। अगर हम साइबेरियन हस्की की बात करें तो यहाँ पर 15 पपीज रेट होगा 40,000 एंड साल के हम यहाँ पर साइबेरियन हस्की से 6 लाख रुपए कमा लेते हैं। सो अगर आप जर्मन शेफर्ड को ब्रीड करते हो तो हम उससे जो है 2 साल में 3 लाख कमा सकते हैं, यानी कि 1 साल में हम कमाएंगे 1.5 लाख रुपए। वही अगर आप साइबेरियन हस्की को ब्रीड करते हो तो 2 साल में 6 लाख कमाएंगे एंड 1 साल में हम कमाएंगे 3 लाख रुपए। वही अगर आपके पास 4 जर्मन शेफर्ड फीमेल्स होंगी तो हम जो है 1 साल में उससे 6 लाख रुपए कमा सकते हैं एंड वही अगर आपके पास 4 साइबेरियन हस्की फीमेल्स होंगी तो हम उससे 1 साल में 12 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। अगर आपके पास 4 जर्मन शेफर्ड फीमेल्स होंगी एंड अगर आपके पास 4 साइबेरियन हस्की की फीमेल्स होंगे तो हम जो है जर्मन शेफर्ड वाले से कमाएंगे 6 लाख एंड साइबेरियन हस्की से कमाएंगे 12 लाख रुपए। अगर हम इन्हें दोनों को कम्बाइन कर दें तो 18 लाख रुपए हम हर साल कमाएंगे अपने 8 डॉग्स से। तो अगर आपके पास 8 डॉग्स का बजट है तो आप जो है महीने के 1.5 लाख रुपए तक कमा लोगे, यानी कि साल के 18 लाख। तो इस तरीके से होता है राइट डॉग ब्रीड को सिलेक्ट करना जिससे हमें अच्छा प्रॉफिट मिले। अगर यहाँ पर हम लैब्राडोर को ले लेते तो लैब्राडोर बिकता भाई 10,000 रुपये का एंड हम उससे जो है साल में कमाते 75,000 रुपये एंड 2 साल में हम उससे कमा लेते 1.5 लाख रुपए। एंड हम जो है 2 साल में 4 लैब्राडोर फीमेल से सिर्फ 3 ही लाख कमा पाते हैं। इसकी वजह अगर हम जर्मन शेफर्ड को ब्रीड करेंगे तो हम जो है 6 लाख कमा पाएंगे एंड वही अगर आप यहाँ पर रॉटवाइलर को ले लेते तो रॉटवाइलर साइबेरियन हस्की की जगह जो है 20,000 का बिकता तो हम जो है सिर्फ साल के 6 ही लाख कमा पाते। यहाँ पर आप जो है 4 साइबेरियन हस्की फीमेल से 12 लाख रुपये कमा लेते हो और तो रॉटवाइलर से आप सिर्फ 6 ही लाख रुपये कमा लेते हो। तो ये वाला डिफरेंस आ जाता है राइट डॉग ब्रीड को सिलेक्ट करने में। अब हम बात करते हैं कि अच्छी क्वालिटी के पपीज जनरेट करने के लिए हम क्या करें। देखो अच्छी क्वालिटी के पपीज अगर आपको जनरेट करने हैं तो आपको जो है राइट टाइम पर अच्छी क्वालिटी के मेल के साथ मीट कराना होगा जिससे आपकी जो है पपीज की क्वालिटी बेस्ट हो। बिकॉज अगर अच्छी क्वालिटी के पपीज होंगे तो हमें सेल करने में काफ़ी आसानी होगी, हम अच्छे प्राइस पर अच्छे पपीज सेल कर पाएंगे। एंड तीसरी चीज़ जो है मैंने आपको बोली थी कि मैं आपके डॉग सेल करने में आपकी कैसे हेल्प करूँगा। देखो मैं आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर दे दे रहा हूँ, आपको जो है उस पर मुझे मैसेज करना है एंड आपके डॉग्स की जो है वीडियोस मुझे सेंड करनी है जो कि वीडियोस मैं यूट्यूब पर डालूंगा एंड वहाँ से जो है हजारों लाखों लोग देखते हैं एंड मेरे चैनल पर 25,000 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है। तो काफ़ी सारे लोग वीडियोस देखते हैं, जिनको भी डॉग खरीदना होगा वो आपका डॉग खरीदेगा। तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8533004897। तो इस नंबर पर आप मुझे जो है मैसेज कर सकते हो एंड मैं जो है जैसे ही टाइम मिलूंगा मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। एंड इसके लिए आपको जो है कुछ अमाउंट पे करनी पड़ेगी बिकॉज मुझे भी वीडियो बनाने के लिए मेहनत लगती है। तो भाई इसके लिए जो है आपको मुझे थोड़ा सा अमाउंट पे करना होगा जो कि ज़्यादा नहीं होगा, आपके बजट के अंदर ही हो जाएगा। एंड इस तरीके से जो है मैं आपके आपके डॉग सेल करने में हेल्प करूँगा अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू। बिकॉज अपने चैनल पर 25,000 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है एंड कोई ना कोई तो भाई डॉग आसानी से खरीद लेते हैं। एंड एक बार जब आपकी वीडियो मैं अपने चैनल पर डाल दूंगा तो वही कई सालों तक वीडियो वैसे की वैसे रहेगी एंड आपके पास नए नए कस्टमर आते रहेंगे। सो आपका डॉग बिजनेस भी काफ़ी अच्छा चलेगा। आपके डॉग सेल करने में आप सेकंड थिंग ये कर सकते हो कि आप जो है डायरेक्ट पेट शॉप पर जाकर अपना डॉग जो है लॉट के रेट में सेल कर सकते हो। बट वहाँ पर जो है आपको 20,000 रुपये रेट नहीं मिलेगा, आपको वहाँ पर 10-12,000 में ही सेल करना पड़ेगा। जर्मन शेफर्ड अगर साइबेरियन हस्की है तो 20-25,000 में ही वो लेंगे बिकॉज उनको भी वो डॉग्स आगे सेल करना पड़ता है, उनका भी मार्जिन कमाना पड़ता है। बट अगर आप मेरे चैनल के थ्रू अपने डॉग सेल करना चाहते हो तो स्क्रीन पर नंबर है 8533004897। सो आई होप दोस्तों कि आपको डॉग बिजनेस कैसा होता है ये समझ में आ गया होगा। एंड अगर आप जो है आपके डॉग मेरे थ्रू सेल करवाना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज कर देना, कोई भी कॉल मत करना बिकॉज मैं किसी का कॉल नहीं उठा पाऊँगा। तो प्लीज़ कॉल मत करना। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम।